सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। लेकिन भाई इसमें ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है। बहुत टाइम से ना हमारे मोड्स जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से, इन द सेंस जो लेटेस्ट अपडेट आया था उसके बाद से। लेकिन यार जिन लोगों ने एक बार मोड्स के साथ गेम खेल लिया है ना, वो मोड्स के बिना गेम नहीं खेल सकते हैं, ये मैं मान सकता हूँ। बिकॉज भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मोड्स के साथ। तो भाई आज तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारे लिए ये सारा अपडेट लेकर आया है कि तुम लोग अपडेट के बाद भी मोड्स कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। आपके सामने मेरा गेम प्ले है जिसमें आप देख पा रहे हो कि मैंने मेन्यू ट्रेनर ओपन कर लिया है। मैं इसको सारे गन्स अलाउ कर रहा हूँ। इसके बाद सारे गन्स आ गए हैं और रेल गन, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा ये रेल गन किसी भी शॉप पर नहीं मिलती है। अगर ये रेल गन इस बंदे के पास है, मीन्स मेरा जो मोड्स है वो एक्टिवेटेड है। तो मोड्स एक्टिवेटेड कैसे है ये भी मैं आपको बताऊँगा। और भाई अभी अपडेट के बाद भी आप मोड्स कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, इवन ये वीडियो अगर आप आज 2024 में देख रहे हैं, 2025 में देख रहे हैं, 26 में देख रहे हैं, फिर भी आपके मोड्स जो है वो वर्क करेंगे इसी एक ट्रिक के साथ। ये ट्रिक आपकी हमेशा काम आने वाली है भाई। मैंने जैसी वीडियो स्टार्ट की, यहाँ पर एक अलग से मिशन भी एक्टिवेट हो गया है जिसका हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें वीडियो बनानी है सिर्फ इस बेस पर कि भाई हमारे मोड्स वर्क कैसे कर रहे हैं अपडेट के बाद भी। भाई अपडेट के बाद आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल से स्टेप हैं। कुछ फाइल्स हैं जिनको रिप्लेस करना है मेरी दी हुई फाइल से और भाई आपका सब कुछ वर्क करने लगेगा। अभी आपने देखा कि ये ट्रेन से कूदा है और इसके ऊपर कोई हेल्थ इफेक्ट नहीं आया। अगर आपके मोड्स एक्टिवेट नहीं होते, इसकी हेल्थ आधी हो जानी थी अब तक। रेल गन इसके हाथ में और रेल गन पूरी तरह से अच्छी तरह से काम कर रही है और सारी चीज़ें बहुत सही ढंग से काम कर रही हैं। भाई जैसे हमने ये देखा था ना कि एरर आ रहा है, वी स्क्रिप्ट जो है हमारी स्क्रिप्ट वी हुकअप ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और चल ही नहीं रही है। भाई उस टाइम पे जितने भी लोग मोडिंग करते हैं ना, उन सब के माइंड में यही था कि भाई ये हो क्या गया और अब ये चलेगा कैसे। तो भाई इसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या नहीं, ये मैं पूरी वीडियो लेकर आ गया हूँ। और भाई आप देख सकते हो मेरे पास वो सारी गन्स हैं जो कि किसी भी शॉप में नहीं मिलती, पर यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, मतलब मेरी मोडिंग चल रही है। मोडिंग नहीं चल रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले से गन होगी, ये बाद में हुआ है, मैं आपको कुछ और मोड्स करके दिखा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, वेदर चेंज कर लेते हैं। वेदर चेंज, हमारा मेन्यू ट्रेनर चल रहा है, वेदर में आपको चेंज कर दिया हमने, क्लियर कर दिया, क्लाउड्स कर दिए, स्मोक कर दिया, यहाँ पर स्मोक ही हो जाएगा, फॉग हो गया, ओवरकास्ट हो गया, भाई यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर थंडर स्टॉर्म स्टार्ट हो गया है। मीन्स हमारा जो मेन्यू ट्रेनर है, हमारा जो मोडिंग है वो बिल्कुल अच्छी ढंग तरह से चल रहा है, हमारी मोडिंग में कोई इशू नहीं आया है। और यही सेम तरीके से आप मोडिंग कैसे कर सकते हो ये मैं आपको अभी बताया। तो वीडियो को पूरा देख कर जाना यार, स्किप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक भी स्टेप मिस हुआ तो मीन्स वो नहीं चलेगा। आपको इसके लिए कम से कम चाहिए एटलीस्ट 7 फाइल्स जो कि आपको कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव का, वहाँ से पूरा का पूरा आपका एक फोल्डर डाउनलोड होगा और उस फोल्डर के अंदर ये 7 फाइल अवेलेबल होंगी। आपको बस 3 स्टेप में ये फाइल्स रिप्लेस कर देनी है अपनी मेन डायरेक्ट्री से। अब हम आ गए मेन पेज पर, मेन पेज पर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने का अब हम जाएंगे मेन फोल्डर में। मैंने एपिक गेम स्टोर से इसे बाय किया हुआ है गेम को, तो हम लोग जाएंगे सीधा दिस पीसी के अंदर हम लोग जाएंगे मेन फाइल्स में, मेन फाइल्स में प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स में आएगा हमारा। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हमारा एपिक गेम्स है, एपिक गेम्स के अंदर GTA 5 और GTA 5 का ये मेन फोल्डर है जो कि मैंने परचेज किया हुआ था। इसके अंदर हम लोग मोडिंग कर रहे हैं। ये जो दो फाइल आप देख रहे हैं अपडेट और अपडेट 2, ये रीसेंट फाइल्स हैं। इसके अंदर आपका रीसेंट अपडेट अवेलेबल है, इसको आपने रिप्लेस कर देना है उस फोल्डर से जो मैंने दिया है। इसके अंदर भी 2 अपडेट फाइल्स हैं जो कि पुराने वाले अपडेट की हैं। इन दोनों को अपने यहाँ से कॉपी करना है, मूव करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। पेस्ट जैसे आप करोगे उसमें आ गएगा कि ये दोनों फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको रिप्लेस करना है क्या, तो हम रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद थोड़ा सा टाइम ये लेगा और भाई उसके बाद हमारा रिप्लेस कंप्लीट हो गया है, दोनों फाइल्स हो गई हमारी चेंज। और भाई अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा नहीं है, आप GTA 5 का लोगो देख रहे हो, ऐसे और भी लोगो नीचे अवेलेबल होंगे। भाई ये 3 या 4 लोगो अवेलेबल होते हैं, ये चारों के चारों लोगो हमें इस फाइल से अब रिप्लेस कर दें। ये 4 फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है, इन चारों फाइल्स को कॉपी पेस्ट जैसे आप करोगे ये फिर से रिप्लेसमेंट मांगेगा वहाँ पे कि रिप्लेस करना है। आप लोगों ने सिंपली उसको रिप्लेस कर देना है। स्क्रिप्ट वी हुकअप, स्क्रिप्ट हुकअप वी हमें नहीं चाहिए, हुकअप नहीं, हुक है ये,
स्क्रिप्ट हुक वी हमें नीचे ऑलरेडी डाला हुआ है, ये चारों फाइल्स हमें कॉपी करनी है और इसके अंदर फिर से पेस्ट कर देनी है। भाई जैसे आप पेस्ट करोगे रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, रिप्लेस कर दोगे और भाई सिंगल क्लिक में चारों फाइल्स हमारी रिप्लेस हो जाएंगी। सब कुछ हो गया, लेकिन अभी एक मेन चीज़ बच जाती है। इसका प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नई फाइल्स का, इसका जो मॉडल नंबर है वह 3095 और अभी जो नया वाला है वो 3197 कुछ है। तो हमारा पुराना वाला मॉडल लाइक ऐड हो गया है। कुछ महानुभाव यूट्यूबर्स के कहने पर लोगों ने डिनपुट 8 ये जो फाइल थी ये डिलीट कर दी थी गेम खेलने के लिए, बिकॉज मोस्टली लोगों का गेम चल ही नहीं रहा था और इस फाइल को डिलीट करते ही आपके सारे मोड्स हो गए थे बंद और गेम चलने लगा था। तो भाई ये फाइल अगर आपने डिलीट कर देना तो ये आपको कॉपी पेस्ट ज़रूर मारनी पड़ेगी। ये फाइल भी मैं आपको इसमें दे दूंगा। कुल मिलाकर यही 7 फाइल्स हैं जो आपको रिप्लेस करनी है। डिनपुट 8 DL जैसे आप ऐड करते हो आपका गेम चालू हो जाता है। भाई मैंने अपना ऐड कर दिया है, गेम मेरा स्टार्ट हो गया है। मोडिंग आपको स्टार्टिंग से ही दिखा दूँ, भाई यहाँ से हमारा गेम स्टार्ट हुआ था और उसके बाद हमारा था गेम प्ले। अगर आपका गेम प्ले वर्क नहीं किया इस ट्रिक के बाद तो भाई लाइक करने की ज़रूरत तो है ही नहीं, आप आके मेरी वीडियो रिपोर्ट कर सकते हो, रिपोर्ट के साथ साथ चैनल भी रिपोर्ट कर सकते हो स्पैम में। लेकिन अगर आपकी वीडियो चल गई तो भाई लाइक भी करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो भाई इसके आगे आप गेम प्ले का मज़ा ले सकते हो, बिकॉज अब हम यहाँ पर करने वाले थोड़ी सी तबाही, बिकॉज गाड़ियाँ बहुत सारी हैं और मोड्स हमारे पास काफ़ी टाइम बाद वापस आए हैं। 3-4 दिन हो गए बिना मोड्स के गेम खेलते हुए और भाई बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। ड्राइवर को आ रखा है पूरा गुस्सा और भाई ये पूरी गन वन निकाल के अभी करेगा तबाही बहुत तगड़ी है। पहले इसको मारूंगा मैं, ये रेड डॉट बना कैसे मेरे सामने। आपके जितने भी पेडेस्ट्रियन दुश्मन होते हैं ना, जो लाइक एकदम से गुस्सा आ जाता है जिनको, वो रेड डॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो इस रेड डॉट को ग्रीन डॉट करना हमारा काम है। इसको मैंने कर दिया है ख़त्म और ये गाड़ियाँ यहाँ से साइड से भागने लगी हैं और भागती हुई गाड़ियाँ मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। तो गाइस अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक, और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग लेकर आते रहते हैं। अगर आप कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो GTA 5 खेलने में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका भी सॉल्यूशन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। और यार दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई, साथ में मिलकर खेलेंगे, साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो पूरी देख कर जाना, बिकॉज वो भी आपको आपके बाइक को थोड़ा हेल्पफुल होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो, आपके भाई ये नहीं हो रहा या फिर ये नहीं हो रहा, मेरा मोड अभी भी वर्क नहीं कर रहा, कमेंट करके ज़रूर बताना, पूरा का पूरा स्टेप मैं आपको उसमें लिख कर दे दूंगा। और डिस्क्रिप्शन लिंक से फाइल ज़रूर डाउनलोड कर लेना और सेम इसी स्टेप से सारे के सारे फोल्डर्स को कर देना रिप्लेस, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो छोटी बनाई है ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ज़्यादा लोग देख पाए और ज़्यादा इशू ना हो समझने में। 7 फाइलें हैं, 7 फाइलों को रिप्लेस करना है, कोई इशू नहीं है, इसे कॉपी पेस्ट करना है और रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपका गेम प्ले बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क करने लगेगा। और अगर आपने कभी मोडिंग की ही नहीं है तो भाई आपको अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, जिसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपने मोडिंग कभी नहीं की, आपको स्टार्टिंग से चाहिए। तो पूरा का पूरा बेस पैक मोडिंग का भी और वैसे भी मैं सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप कमेंट करते हो पैक, आपने कभी मोडिंग नहीं की है तो पैक कमेंट करना, अगर आपने मोडिंग कर रखी है और फिर भी वर्क नहीं कर रहा तो कमेंट करना एरर, मैं आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि भाई कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में भी आपके कमेंट के नीचे ही पूरा का पूरा प्रोसेस मैं दोबारा से बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने घर वालों का रखो ध्यान, बाय बाय।